विनीशा को पूछना चाह रही हूँ दी आपसे एक चीज़। वैसे तो सारा अच्छा लगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड थी आज, बट फिर भी अच्छा लगा। पर अभी सिर में एंड पीछे यहाँ बैक में थोड़ा सा हेवीनेस है, जैसे स्पेशली बैक में जैसे कुछ बांध रखा है या कुछ ऐसे। तो ये क्या है, ऐसे क्यों मुझे फील हो रहा है अभी? क्या 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 हुआ पीछे? बैक में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ बेल्ट सी या कुछ ऐसे ना बांध दिया हो, चौड़ा सा ना पूरा, तो वैसे कुछ हेवीनेस सी फील हो रही है अभी। बताइए रश्मि दीदी, बताइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। एक्चुअली क्या है, मैं भाई बोलता हूँ, हमारे चक्रास आगे से भी होते हैं, सामने से भी, और स्पाइन पे भी होते हैं, बैक साइड से भी। ये जो एंशियंट मंत्रा मैग्नेटिज्म का जो एनर्जी है, ये थ्रोट से एंटर करते हुए हमारे हर चक्रा में जाता है, वहाँ कई गुना बढ़ता है, एम्पलीफाई होता है। जो भी एनर्जी मिला वो कई गुना, 1000 टाइम वो बढ़कर फिर नेवल चक्रा में स्टोर होता है। नेवल चक्रा, या इसको सिक्स चक्रा भी बोलते हैं, नाभि में। तो वहां पे आपको हेवीनेस लगा, कई बार पेट में दर्द होना लगता है, होने लगता है, कई बार पीछे से आपको ऐसा खींचा जैसा महसूस होता है। वहां पे एनर्जी का वो स्टोरेज सेंटर है एक्चुअल में, और वहां से एनर्जी पूरे बॉडी बॉडी के 72,000 जो भी नाड़ियां है हमारी, उसमें फिर सप्लाई होती है। हार्ट में और पेट में जो भी हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी 100% वर्क कर रहा है। ओके या ओके ममता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी। ममता जी प्लीज अनम्यूट करें आप। हाँ ममता जी, सर आज का अनम्यूट कीजिए आप। हाँ शिवाजी भी आपकी तरफ से हो रहा है या तो अनम्यूट नहीं हो पा रहे लोग। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, विनीशा मेरी आवाज? अरे आ रही है, हाँ आ रही है हेलो जी, अब बोलिए। हाँ ममता मैम बोलिए। जी जी मैम। मुझे भी मैम ये पाम्स पे और फीट पे और इस एरिया में एकदम वो वेव्स है ना, रेगुलर फील हो रही थी वेव्स, और ओके हल्का गर्माहट गर्माहट सी आई थी। बहुत बढ़िया, गुड बहुत गुड बढ़िया। गुड। मैं जरा जो नए लोग जुड़े हैं उनसे जानना चाहूंगी, अभी जो आज हम लोगों के साथ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, कि शीतल जी आपको कैसा लगा? बहुत बेहतर लगा जी कल, जी मुझे लेकिन आज जब से मैं उठी हूँ तो बहुत फ्रेश करना शिवाजी भी आपका फ्रेंड, एक है शिवाजी भी आपका फ्रेंड है तो म्यूट कर लें फिर। हाँ अब बोलिए। हाँ बोलिए मैम। ऐसा लगा कि जैसे मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ब्लॉकेजेस थे वो शायद खुल रहे हैं, सॉल्यूशन खोज रहे थे अपने आप, और जी आप जी 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 पूरा ही एकदम रिलैक्स हो गई। कल जो मुझे इरिटेशन और हेवीनेस थी, आज कुछ नहीं था, बहुत जी ही जी अच्छा, जी बहुत पीसफुल। ओके थैंक यू सो मच। आपने अभी ज्वाइन किया ना मैम? अभी इसी बार ज्वाइन किया ना? नहीं मैंने कल भी किया था मैम। हाँ मतलब इसी मंथ ज्वाइन किया आपने। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको कैसा लगा? नमस्कार सर, अनम्यूट करें अपने आपको, अनम्यूट अनम्यूट यस मैम, जी मैम जी बहुत अच्छा सर लगा मैम। मैम लग रहा है कि जी। बॉडी में एनर्जी आ गई, बॉडी थोड़ी तगड़ी हो गई है, ऐसा लगा मैम। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गैलेक्सी M31S कल बात नहीं कर पाए थे हम जी, अनम्यूट करें। सुदीप्ता मैम, सुदीप्ता मैम आप बताएं तब तक। नमस्कार सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मुझे पूरा गोल्डन सब कुछ था, बहुत अच्छा लगा, जी लेकिन जी एंड के तरफ में क्या हुआ ना कि अचानक से लगा बस ब्लैक हवा जैसा आया, मुझे ऐसा लगा मुझे फैल गया,
और उसके बाद फिर कुछ देर लगा ऐसे ब्लैकिश जैसा कुछ लगा, ग्रेश ब्लैक जैसे लगा, क्लाउड जैसा आया हो, और मेरे पाँव पे लगा, दो तीन बूंद पानी गिरा मुझे लगा, फील हुआ। ओके उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर गोल्डन हुआ, लेकिन मतलब कुछ गोल्डन रहा कुछ ब्लैकिश रहा, इस तरह से रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली मैं कुछ ब्लॉकेज होगा ना तो वहां आपको ब्लैकिश नजर आया होगा, अदरवाइज तो गोल्डन मींस सब ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खुल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सब कुछ गोल्डन हुआ था जी जी, बस जी। एंड के तरफ में जो हुआ ना बस, तो मुझसे में लगा अचानक से दरवाजे से कुछ बाहर से ऐसा कुछ ब्लैकिश कुछ आया, बादल जैसे हवा जैसे ऐसा कुछ लगा फील हुआ। उसके बाद फिर मतलब वो और कुछ बूंदे लगा के बारिश का मतलब पानी जो है पैर पर गिरा मुझे लगा ऐसा, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर गोल्डन हुआ, हाफ गोल्डन हाफ ब्लैक। इसका मतलब मुझे को समझ में नहीं आया कुछ भी। चलिए इसके लिए हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके एक सेकंड मैडम जी, ये है ना गैलेक्सी एम मैम? हाँ जी, आवाज आ रही है? गैलेक्सी एम थ्री वन एस। मैम देखिए नीचे एक आपके माइक का निशान आ रहा होगा लेफ्ट साइड में, उसके अंदर आप ज्वाइन ऑडियो लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा वाईफाई या सर्कुलर डेटा, सेलुलर डेटा, हाँ उसको टच कीजिए, उस पे क्लिक करिए। हाँ इनका कोई इश्यू होगा। यस मुस्कान आप कुछ बता रहे थे? हाँ शीतल मैम आप लीव कर सकते हैं, आप लीव करना चाहे। हाँ मुस्कान बता कैसे बताओ। आज भी ऐसा ही हुआ जैसे कि नकल हुआ था, वो जैसे फिर हो रहा था कि आने का मन ही नहीं हो रहा था। ओके थैंक यू बेटा सो मच, थैंक यू डियर। ती राजकमल जी, राजकमल जी, लक्ष्मी जी मुझे पूछना आपसे। जी जी हाँ, मेरे को आज है ना जब मैं कर रहे थे आप बीच में तो मुझे ऐसा लगा काले बादल आ रहे हैं, एकदम घने बादल। ओके 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 ऐसा क्यों हो रहा था? आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, फिर बाद में आने बंद हो गए। हाँ ये अभी मैम को भी ऐसा फील हुआ था है ना, तो शिवाजी भी आप हेलो हेलो। हाँ जी हाँ 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 शिवाजी भैया आप दो लोगों को काले बादल नजर आए। एक काम करिए कल दिन में मुझे फोन कीजिए, मुझे या दीपक भाई से। हाँ हाँ ग्रुप पे नहीं बता सकते जी जी जी, थोड़ी एनर्जी चेक करेंगे आपकी पर्सनली। जी 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 कल कितने बजे करें फिर फोन? कल सुबह कर दे 10 बजे के पहले, अगर दीपक भाई को करना है तो उनको दोपहर के बाद करो। ठीक है स्कैनिंग करेंगे थोड़ा कुछ, क्या ब्लैक चीज क्या दिख रही हो स्कैन। नितेश जी आपसे पूछना चाहूंगी, नितेश जी कैसा लगा? आप पहले अनम्यूट करें। तो मैं कल 10:30 बजे तक पहले करूँ क्या? 10:30 सर अनम्यूट करें आप। बोलिए जी नितेश जी आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा जी, अच्छा लगा जी 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 जी, थैंक यू सर थैंक यू। ओके तिवारी जी ये अपना लड़का कहाँ है उसको पूछिए क्या हो रहा है। हेलो तिवारी जी। हाँ सर वो तो सेशन के बीच में ही सो गया। ओके ओके गुंजा राजकमल जी, जल्दी राजकमल सर ये क्या सो रहे हैं कि क्या है? जस्टी राजकमल सर
मुझे नजर नहीं आ रही है जी 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 पता नहीं मुझे जल्दी सो रहे हैं वो ट्रांस में चले गए शायद हाँ सो गए ट्रांस में चले गए वो तो मैंने ट्राइस ट्राइस मैंने देखा इनको जी 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 हाँ गैलेक्सी एम थ्री वन आप अनम्यूट हो चुकी है गैलेक्सी एम थ्री वन आप बोलिए हाँ मैम आप अनम्यूट है अरे गैलेक्सी एम थ्री वन आप अनम्यूट है बोलिए हेलो वो सब आप अनम्यूट है बोलिए वो आपको सर्च कर रही है आपको जी 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 ओके बोलो सर बोलो सर हेलो 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 बोलो सर जी सर बोलो सर गैलेक्सी चलो सत्तर सत्तर भाई आप क्या बोल रहे हैं आज तो दोनों थे सत्तर जी सरिता मैम हेलो सरिता मैम ये देख कैसे बंद कर सरिता मैम सर लिफ्ट हो गए ओके जी मी लोग जिधर मैं उनसे चलना चाहेंगे जयेश जी जयेश जी ओके हाँ जी मुझे पूछना था कि इसी स्टेट में थ्रू आउट रहने के लिए ऐसा कुछ मतलब ये जो आप इमेजिनेशन में मतलब जी जी हाँ तो इसी स्टेट में थ्रू आउट कैसे रह सकते उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मेडिटेशन करना पड़ेगा वो मंत्र में मेडिटेशन करेंगे तो वही स्टेट में रहेंगे जी सर जी सर इसमें मंत्रा का पावर है तो जब मंत्रा आपके बॉडी में इनिशिएशन होगा अच्छा उसमें जब आप मेडिटेशन करोगे तो इसी स्टेज में सिद्धिता मैम आप छोड़ सिद्धिता मैम आप लीव कर सकती हैं अच्छा शिवाजी सर थैंक यू मैम जब हेलो हेलो जी जी बोलिए जय सर हाँ शिवाजी जी जब भी रश्मि मैम कंडक्ट करवा रही थी उस टाइम पे आप कुछ कर रहे थे मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके ऊपर ऐसा कुछ वही तो हीलिंग चल रहा था हीलिंग का प्रोसेस दैट वाज हीलिंग दैट वाज हीलिंग ओके ओके अच्छा वो मेडिटेशन करवा रहे थे हम हीलिंग कर रहे थे ये हाथ का मूवमेंट देखा ना आपने नहीं नहीं मैंने देखा ही नहीं मतलब आंख बंद था मतलब और एक्चुअली रश्मि जी थे मेरे स्क्रीन पे इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कर रहे थे और भी कलेक्टिवली हाँ सभी लोग टीम थे हम लोगों की जो टीम पूरी टीम हीलिंग दे रही थी सबको लगभग 6 से 7 हीलर थे आज जी 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 अच्छा उसमें 4 ग्रैंड मास्टर महागुरु है ओके महागुरु मतलब जिनके पास मजा आगे की डिग्री होती है सबसे ऊपरी डिग्री अच्छा राहुल सर है रश्मि मैम है मैं हूँ दीपक भाई है अच्छा हम सब महागुरु है 2-3 ग्रैंड मास्टर्स थे और 2 मास्टर्स भी थे जी सर लाइक इज दिस सिमिलर टू रेकी हीलिंग जैसे मतलब रेकी के सिंबल्स चक्र के इंस्टॉल इट इज डिफरेंट एनर्जी इज 100% इट्स 500 टाइम मोर मतलब 500 टाइम मोर तो गेंदा में सिंबल्स होते हैं कि मतलब अभी अपने मंत्रास भी होते हैं सिंबल्स भी होते हैं लिसन जैसे इसके लिए आप मिस्टर से बात कर दीजिएगा बिकॉज़ है ना यहां मैं बात कर रहा हूं जिस बात करता हूं ओके हां किसी से भी ओके प्रखर जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थैंक यू मिनिचा सबको नमस्कार मैं इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया सेशन आपने ओके इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी एंड मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं ट्रांस में जा भी रहा था बट कहीं से आपके इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे और मैं ऐसे यार ये क्यों हो रहा है ऐसे जैसे वो स्कूल में होता था ना कि सुबह सुबह मम्मी आके उठा देती और हम लोग उठना है हमें नहीं उठना है चलिए थैंक यू दिया थैंक यू आपको बहुत अच्छा लगा थैंक्स अ लॉट थैंक्स टू ऑल द गुरुज थैंक यू सैमसंग SF G975F किसका है सैमसंग SM उन्होंने
म्यूट किया हुआ है। सतपाल जी आप शेयर करना चाहेंगे आपकी फीलिंग्स? जी मैम सबको नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ द गुरुज शिवाजी मानी जी एंड लक्ष्मी मैम स्पेशली टू यू। थैंक्स सर। टुडे फीलिंग बेटर देन यस्टरडे मैम। ओके ओके थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। कल गोल्डन कम नजर आ रहा था, आज गोल्डन ज्यादा आ रहा था। ओके सर, जैसे जैसे ब्लॉकेजेस खुलेंगे वैसे वैसे आपको आपकी जो विजुलाइजेशन है क्लियर होगा। ओके जी जी। थैंक्स टू एवरीवन। हां इट इज अ कलेक्टिव वर्क ऑफ आवर टीम। या मैम एब्सोल्युटली। रश्मि मैम टीम्स का बताया कल उनको टीम्स के आंखों का? वो नहीं अभी बात नहीं की सर, मैंने किसी को बताया नहीं। आप ही शेयर कीजिए। बताइए आप बताइए आप बताइए। ओके सर। ओके वो श्याम सर चले गए क्या? हाँ वो चले गए। या तो एक बार कॉल करके बुला लीजिए। नहीं आप वो नहीं, चलो आप ही बोलिए, वो बच्चे के बीच में बिजी रहेंगे। ओके मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि हमारे ग्रुप में दो क्वींस हैं और वो प्रीमैच्योर हैं। ओके तो उनकी दोनों की विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। अब वो बच्चों को डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेट भी नहीं हो सकता रेटिना, लेकिन अभी हीलिंग के बाद डॉक्टर को दिखाया गया है तो एक बच्चे की डॉक्टर ने बोला है उसकी अब जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी वो स्टॉप हो गई है और ऑटो हीलिंग शुरू हो गई है उसकी। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। वी आर थैंकफुल टू डिवाइन एनर्जी फॉर दैट। शायद जी जी बोलिए बोलिए। डॉक्टर लोगों ने तो पहले ये बोल दिया था कि शायद ये जन्म भर दिखाई नहीं देगा उनको। जब हमारे पास आए तो उनका यही था कि शायद वो देख नहीं पाएंगे, लेकिन मिरेकल हुआ ये भी। यहाँ पे हमारे अभी एक थे ए मैम, उनका पोता जो है वो बोलने में अटकता था। सूर्यवंशी मैम हेलो हेलो सर। लेफ्ट किया सर शायद। नहीं है नहीं क्या? सूर्यवंशी मैम। ओके ओप्पो ए सेवन ओप्पो ए सेवन इनका पोता है। वो बचपन से मतलब वो बोलने में अटकता था और ओवर एक्टिव था। 5 मिनट के अंदर पूरा घर इधर का उधर। स्कूल में जाएगा तो सभी बच्चों को एक साथ में धो देंगे। लेकिन बिल्कुल वो अभी नॉर्मल हो गया है, बात भी अच्छी कर रहा है। थोड़ा स्कूल में तकलीफ दे रहा है लेकिन नॉर्मल हो गया है। ओप्पो ए सेवन बोला सूर्यवंशी मैडम बोला तुम्हें सांगा तुम्हारा तोंडा नहीं। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। किसी का भी नहीं आ रहा, हम लोगों का आ ही नहीं रहा है किसी का भी वीडियो। हेलो स्टॉप हो गया। मेरा पोता नहीं पा रहा था, पोता है और थोड़ा तकलीफ दे रहा है वो स्कूल में। मैं जरा मैडम लोग बोलते एक घंटा मत बिता, आधा घंटा बिता, आधा ही घंटा बिता, थोड़ा थोड़ा तकलीफ दे रहा है। अच्छा हो रहा है, बोल रहा है, पा रहा है। हेलो हीलिंग शुरू करने के पहले जो भी था और आप कैसा है इस पे थोड़ा ये फोकस करो ना। आवाज आ रही है मैम? आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही। चलो बिट्टू रानी आपको क्या फील हुआ आज? बिट्टू रानी अनम्यूट करो। अनम्यूट अनम्यूट करें। अनम्यूट करें जी। बोलिए जी बोलिए। अब आ रही जी? आ रही आवाज आ रही। नेटवर्क का इश्यू है कहीं?
सर मेरे को बॉडी में तो बेटर फील हो रहा था लेकिन मेरे को ये रात में पूरा एक बार टाइट हो गया, ऐसा लग रहा कि इसको कोई खींच रहा है और ये दर्द करने लग गया बहुत ज्यादा। इतना दर्द होगा तो ठीक होगा, यही कहा जाता है ना, दर्द होगा तो ठीक होगा, ठीक होगा बेटा जल्दी ही। मैम यही एक साथ पूरा का पूरा यहाँ से कुछ चला था, पूरा एक साथ स्वेलिंग हो गया और उसमें दर्द हो रहा था, मेरे को अंत भी हो रहा। ये बच्ची का कंडीशन ऐसा है, उनकी इस उम्र में दोनों किडनी या फेल्योर है, सिकुड़ सी गई है और अभी उनको डायलिसिस शुरू है। मुझे लगता है कुछ 25 के अंडर ही होंगे उनकी एज। चल रहा है प्रोसेस, देखते हैं सुधार होगा, यकीन तो दिलाया है हमने और पक्का होगा, भरोसा बस ऊपर ऊपर वाले को ऊपर रखो, हमारे पे नहीं। सेशन शुरू हुआ है और बस अभी उनको मतलब सारे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं तब मैं उठी, इतना तो मतलब उठी ओके पता ही नहीं क्या हुआ है क्या ओके ओके कमलेश मैम आपसे पूछना चाहूंगी। कमलेश मैम जी, कमलेश मैम आपकी आवाज। हाँ जी 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 आज का जो अनुभव था वो बहुत ही अलग था। ओके जैसा कि सर बोलते हैं कि पीछे की तरफ अगर खींचते हो तो इतना ज्यादा फोर्स आज लग रहा था, इतनी पावर लग रही थी, एनर्जी बार बार लग रही थी और ये जो ईयरफोन लगा रखा है इसका वायर मुझे रोक जी 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 बहुत ज्यादा पावर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी। ये हुई आज के जो पहला अपना सेशन था उसमें क्या हुआ, मुझे मेरी आंखों से इतना तेज आंसू बह रहे थे, इतना तेज बहने लगे कि मुझे हटना ही पड़ा, मतलब रुक नहीं रहे थे, ऐसे लग रहा था किसी ने पानी डालना शुरू कर दिया। मैम इमोशनल इमोशनल जो ब्लॉकेजेस थे ना वो रिमूव हो रहे थे आपके, वो आंसू निकल रहे थे। नहीं आ रहा था कि ऐसे बहने लगे तो मैं क्या करूं, मैं तो बैठ हाँ। नहीं पा रही थी यार, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर हो रहे थे आपके। जी 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 तो मेरा रह गया, तो थैंक्स टू डिवाइन एनर्जी है ना, थैंक्स टू डिवाइन एनर्जी। और बाकी तो बहुत अच्छा, मतलब मुझे जितनी भी बात ना उससे आज जैसे सर ने कहा था कि अपने को जी 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 नमस्कार, थैंक यू। संतोष जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। संतोष जी हाँ पहले तो सभी को प्रणाम मेरा। जी 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 आज तो मतलब अनबिलीवेबल बोल सकता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे महसूस हो रहा है अभी भी, पर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पास, मतलब जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन वो क्या चीज है वो समझ में नहीं आ रही, जैसे मुझे खुशी मिलती है अंदर से, बहुत खुशी होती है कोई है मेरे पास। आपके फेस से दिखता है वो, बाकी तो मतलब यहाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। थैंक्स टू डिवाइन एनर्जी, मुझे मतलब जो खुशी में शब्द नहीं है मेरे पास, जो कि मैं क्या क्या बताऊं, ऐसी खुशी हो रही है मुझे अंदर से। जी जी आप सभी का धन्यवाद है।
थैंक यू प्रखर। हाँ ओके संतोष जी, थैंक यू सो मच। ओके दीपक भाई, आप किसी का नाम ले रहे थे? अनम्यूट करिए सर, शिवाजी सर अनम्यूट करिए। संतोष जी ने एक लेडीज का हीलिंग किया, सेकंड लेवल ही रेकी का हुआ है, बिहार की लेडी थी, बिल्कुल ठीक हो गई। गुड 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 गुड। घुटनों का दर्द, पेट का दर्द था, पूरा चला गया। ग्रेट, चलिए गुड गुड गुड। एक्चुअली वो इसमें है, डिफेंस में जॉब कर रहे हैं। जी जी जी, आपने ओके दीपक भाई, आप किसी का नाम ले रहे थे, किससे एक्सपीरियंस? कमल जी का, लेकिन वो राजकमल जी का, लेकिन उन्होंने अभी अच्छा लीव कर दिया। ओके चलो विकास जी आप कुछ कहना चाहेंगे? विकास जी आए क्या? हाँ विकास जी है, पर उन्होंने वीडियो ऑफ किया है। उनकी मम्मी बैठी थी, विकास सर उनकी मम्मी ने बैठी थी, ने वो शायद सब म्यूट किया हुआ है। चलिए गुंजल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ गुंजल जी भी नहीं है शायद, चलो ठीक है, ओके हाँ जी 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 जी। मैंने मास्टर्स एक थर्ड लेवल किया हुआ है जी, और जी मैं डरती थी किसी को भी, अभी तक जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हीलिंग नहीं देती थी कि अपने को करना ना भूल जाऊं। तो अभी कुछ दिन से जब मुझे कहा कि नहीं करो तुम, तो मैंने मेरी मदद को किया, तो महीना हो गया उनको, कुछ दिन से पैर में दर्द नहीं हुआ। और तीन चार दिन पहले ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ SBI के बैंक मैनेजर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जब मैं बैंक आना चाह रही थी, बोले अरे मैडम मैं 10-12 दिन से आया ही नहीं था, आज ही आया हूँ, तो मुझे ऐसे पेट में दर्द था। तो मैंने जब उनको कहा मैंने किस कारण से था, तब तक वो कहने लगे कि नहीं मैं अभी गाड़ी में हूँ, मुझे फिर से होने लगा और मैं घर पहुँच रहा हूँ, घर पहुँच के जब थोड़ा सा मुझे ये दर्द कम होगा तब बात करूँगा। तो मैंने कहा नहीं आप प्लीज एक बार ये कह दीजिए कि मुझे रेकी दे दो, और मैं यहाँ से कुछ, कि मैं अपने आप को भी पहले समझना चाहती थी कि मैं हूँ क्या इस बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो जब बहुत कहा तब वो तैयार हुआ, बोले नहीं आपको परेशानी ना हो जाए इस तरह से मत करो, जी जी जी। नहीं मैं करती। तो इस बात को करीब 20 दिन हो गए, और कल उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन से कोई टेबलेट नहीं ली है, मुझे स्टोन प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई दर्द नहीं हुआ है, आप विश्वास नहीं करें तो मेरे घर आके देख लीजिए, सारी टेबलेट वैसी ही पड़ी हुई है, और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं डॉक्टर। तो मुझे खुद मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, खुशी बहुत हो रही थी कि अच्छा मैं बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट मैम रियली, मतलब हमें अपनी वैल्यू खुद समझनी है, है ना, एंड वी शुड बी थैंक ऑलवेज थैंकफुल टू Divine energy. Yes. Okay. Thank you, everyone. Thank you. We'll join tomorrow. Thank you. हाँ, leave कर देते हैं.